नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसन नगर शिक्षक संघ की प्रदेश सत्रीय बैठक डाक बंगला जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी सहित पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बारूपाल ने बताया कि बैठक में संगठन के ब्लॉक व जिला शाखाओं के चुनाव प्रदेश द्वारा जारी निर्देशानुसार मार्च माह में सदस्य अभियान चलाकर तत्पश्चात प्रदेश द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार संपन्न करवाए जाने, सदस्य रसीद जारी करने, राजधानी जयपुर में संगठन का प्रदेश कार्यालय स्थापित करने, संभाग स्तरीय बैठक कर संगठन को मजबूत करने, संगठन का बैंक खाता जयपुर में खुलवाए जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही रोस्टर रजिस्टर धारण करने, DR व पदोन्नत शिक्षकों की कॉमन सीनियोरिटी से आगामी DPC करने, NPS बंद कर OPS शुरू करने, नौशनल लाभ से वंचित रहे संविदा शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नौशनल लाभ देने, पदोन्नति में आरक्षित वर्ग की वरिष्ठता को लागते हुए कनिष्ठ को पदोन्नति देने से वंचित रहे वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति लाभ देने, 2007-08 शिक्षकों प्रमोदकों की वेतन विसंगति दूर करने सहित मांगों पर के निस्तारण को लेकर रणनीति तय की गई। इसी के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तथा मनोनीत पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में प्रदेश उप सभाध्यक्ष शिशराम, महाचिव, प्रदेश महामंत्री सुरेश कुमार देशबंधु, प्रदेश कोषाध्यक्ष देवाराम मीणा, सोहन लाल सिंगारिया, उपाध्यक्ष सरवन चिरानिया, हेमाराम गहलोत, चुन्नीलाल कड़ेला, यादराम यादव, अतिरिक्त महामंत्री रविंद्र जाटव, भगवान साय मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष बेरूलाल मीणा, प्रदेश मंत्री संतोष बदवासिया, महिला मंत्री रचना कुमारी कोटा, जिला अध्यक्ष मदन लाल मेघवाल, जिला महामंत्री मुरलीधर वर्मा, बूंदी जिला अध्यक्ष राजाराम मेघवाल, जिला अध्यक्ष बारा राम प्रसाद कोटा सहित पदाधिकारी शामिल रहे। संगठन के मांग पत्र को लेकर राज्य सरकार से जल्दी वार्ता करने का निर्णय लिया गया। संगठन का जैसे नेम ही SC ST और OBC के हितों को लेकर के, उस SC ST और OBC के हितों को लेकर के संगठन संघर्षरत रहा है और आगे भी रहेगा। उसमें बहुत से इश्यूज है। छात्रवृत्ति को लेकर के संगठन हमेशा संघर्षरत रहा है और वर्तमान जो मूल्य है आज का, उस हिसाब से छात्रवृत्ति मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ाए जाने की मांग हमारी रही है। NPS की मांग हमारी रही है। 2009 में पाते वेतन पे बहुत से शिक्षकों को प्रमोट किया था, जिनको आज तक उसको रिवर्ट कर दिया है, कुछ उसी जगह पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि 2009 से ही उनको वरिष्ठता लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है। संविदा में 85-86 में बहुत से शिक्षकों को संविदा शिक्षक के रूप में लिया था और उनमें से आधे शिक्षकों को माननीय कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के डिसीजन के अनुसार आधे शिक्षकों को तो उस संविदा से नौशनल लाभ का लाभ दे दिया है, लेकिन बहुत से शिक्षक आज भी उस लाभ से वंचित है और पदोन्नति के बाद भी, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। तो ये मांग भी हमारी मुख्य मांग रहेगी। उसके साथ ही वाणिज्य के हमारे शिक्षकों की मांग है और एलिमेंट्री शिक्षा के, ये 2008 वाला जो मुद्दा चल रहा है अभी गर्म में चल रहा है, 2008 में जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, बिल्कुल ये, ना, उन, हाँ, ये विभागीय वेतन विसंगति वाला विभागीय चूक है जिसका खामियाजा उन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है जो 7-8 में नियुक्त हुए थे और उन लोगों की गलती न होते हुए भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 11,170 पे उनको फिक्स किया गया था विभागीय चूक के कारण, जबकि 12,900 पे फिक्स किया जाना चाहिए था एक इंक्रीमेंट का। उनका आज तक वो जो लाभ से वंचित रह रहे हैं, उस इशू को भी संगठन जो है एक नंबर पे उठा रहा है और इस पे बात कर रहा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष मोदी जी से जानना चाहूंगा कि अगर किसी राजस्थान में किसी भी टीचर की कोई समस्या हो, SC ST OBC वर्ग के किसी भी टीचर के हो, तो उनकी शिकायत भेजने का प्रारूप किस प्रकार से रहेगा कि आपको किस प्रकार से अवगत करवाए? राजस्थान के दूर दराज में कहीं भी हमारा शिक्षक साथी SC ST का बैठा है, उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके की घटना होती है तो उसका हमने एक चैनल बनाया है कि वो ब्लॉक पर अपना जो भी शिकायत पत्र है वो दे, ब्लॉक पर के जो साथी हैं वो ब्लॉक वाले जिले में उसको भेजेंगे। जहां तक हमारे संगठन में इतनी ताकत है कि या तो ब्लॉक पर ही समाधान हो जाएगा, नहीं तो जिले पर तो आकर के उस समस्या का समाधान हो ही जाएगा। फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि जिले पर उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उसको प्रदेश में भेजें और प्रदेश में उस समस्या का समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी और समस्या का समाधान कराएगा। रोस्टर वाला क्या चल रहा है, मतलब रोस्टर के ऊपर अपने
संघ का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? रोस्टर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हमारी पहली मांग है रोस्टर हर कार्यालय में। हम तो चाहते हैं कि निदेशालय से लेकर के सीबीओ कार्यालय तक रोस्टर रजिस्टर संधारण हो, और रोस्टर रजिस्टर संधारण होने के बाद जो भी हमारी चाहे वो पदोन्नतियां हैं चाहे नई नियुक्तियां हैं सब में रोस्टर लागू हो, ऐसा हमारा संगठन में मांग करता है और हमारी ये मांग जबरदस्त है, उसको लास्ट तक हम लेकर के रहेंगे, ये संगठन का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।